रादौर उपमंडल में 7 महिलाओं सहित 14 नए संक्रमित मामले आए सामने। 71 लोगों के लिए सैंपल। उपमंडल रादौर में बुधवार को 7 महिलाओं सहित 14 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल रादौर के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 114 लोग संक्रमित है, जिनमें से 109 लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है, जबकि 5 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 1358 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1221 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उपमंडल में महामारी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रादौर उपमंडल में अब तक 25,696 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं सरकारी हॉस्पिटल रादौर में बुधवार को 71 लोगों के सैंपल लिए गए। रादौर में लॉकडाउन के 17 दिन बाद नगरपालिका ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के आगे बनाए सर्कल। आखिर लॉकडाउन के 17 दिन बाद नगरपालिका को दुकानों के आगे सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए गोल सर्कल लगाने की याद आ ही गई, जिसके चलते बुधवार को नगरपालिका के कर्मचारियों ने जरूरी सामान की दुकानों के आगे गोल सर्कल बनाकर औपचारिकताएं निभाई। जबकि प्रदेश में 3 मई को सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया था, ऐसे में लॉकडाउन लगने के बाद तुरंत दुकानों के आगे नगरपालिका की ओर से गोल सर्कल बनाने जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर के लोग दुकानों पर भीड़ जमा होने के चलते कई दिनों से नगरपालिका के अधिकारियों से मेन बाजार में दुकानों के आगे गोल सर्कल लगाए जाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन देरी से ही सही नगरपालिका ने बुधवार को दुकानों के आगे सर्कल लगवाने का काम किया है, जिसकी शहर के लोगों ने प्रशंसा की है। रादौर के गांव धोड़ंग के ईंट भट्टे पर चल रही पाठशाला के बच्चों को डेरा अनुयायियों ने भेंट की शिक्षण सामग्री। रादौर के गांव धोड़ंग में चलाई जा रही ईंट भट्टा पाठशाला में बुधवार को डेरा अनुयायियों द्वारा बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस बारे जानकारी देते हुए डेरा प्रेमी तनुज, राहुल, अंकित, आशीष व रूपाली ने बताया कि ईंट भट्टा पाठशाला के बच्चों द्वारा दूसरा सेशन शुरू होने के बाद कई दिन से शिक्षण सामग्री की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि बच्चों का कहना था कि वो नोटबुक्स व किताबें न होने के कारण वे काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद बुधवार को ईंट भट्टा पाठशाला के 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए सभी विषयों की किताबों के साथ व अन्य शिक्षण सामग्री भेंट की गई। शिक्षण सामग्री प्राप्त करने के बाद बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान नजर आई और उन्होंने कहा कि वे अब अपना बकाया छुट्टियों का काम समय से पूरा कर सकेंगे। रादौर के वार्ड नंबर 5 में सैनी समाज द्वारा मनाई गई महाराजा भगीरथ जयंती। बुधवार को रादौर के वार्ड नंबर 5 में अखिल भारतीय मौर्य महासभा के अंबाला मंडल प्रभारी संदीप सैनी के निवास पर महाराजा भगीरथ जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महाराजा भगीरथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराजा भगीरथ एक महान संत है। महापुरुष किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि वह सर्व समाज का होता है। उन्होंने कहा कि महाराजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। वहीं उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को महाराजा भगीरथ के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रादौर में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव हेतु शहर में निकाली हवन यज्ञ फेरी। कोरोना से बचाव के लिए जहां एक तरफ सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी अपने अपने तरीकों से प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना महामारी से बचाव हेतु आर्य समाज रादौर के कार्यकर्ताओं ने शहर में शुरू किए गए हवन यज्ञ फेरी अभियान के तहत शिव कॉलोनी में हवन यज्ञ फेरी निकाली। आर्य समाज रादौर के प्रचार मंत्री साहिल आर्य व राजीव आर्य ने संयुक्त रूप से बताया कि आज घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ के तहत हर घर में हवन यज्ञ करने की जरूरत है। महामारी के दौर में सिर्फ यज्ञ द्वारा ही वातावरण को प्रदूषण मुक्त व कोरोना मुक्त बनाया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से अपने घरों में यज्ञ करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रतिदिन शहर के 2 से 3 वार्ड कवर किए जाएंगे। रादौर के गांव बकाना में महादेव भक्त मंडली के सदस्यों ने गांव में निकाली हवन यज्ञ फेरी। उपमंडल के गांव बकाना में बुधवार को महादेव भक्त मंडली के सदस्यों ने गांव में हवन यज्ञ फेरी निकालकर कोरोना से बचाव हेतु प्रार्थना की। महादेव भक्त मंडली के सदस्य विनोद सैनी ने बताया कि उनके गांव में कोरोना का प्रभाव काफी देखा गया है, इसलिए महादेव भक्त मंडली ने आज कोरोना महामारी से बचाव हेतु गांव में हवन यज्ञ फेरी निकाली। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, वहीं हवन यज्ञ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको बता दें कि गांव बकाना में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं और इस वक्त भी कई लोग संक्रमित हैं, लेकिन राहत की बात है कि काफी लोग अब रिकवर भी कर चुके हैं।